हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा लाइफ फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि कई सारे सवाल आते हैं। स्ट्राइक आई थी, उस पर भी आए थे, और फिर उसके बाद कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, क्या रीज़न है। तो इन सभी सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार बच्चों को स्कूल से ले आती हूँ, क्योंकि उनके भी मैडम का फोन आ चुका है। क्योंकि यही होता है ना, अगर ब्लॉक की शुरुआत कर देते हैं तो वो कंटिन्यू हो ही जाता है, वरना तो फिर ऐसे ही रह जाता है। और यहाँ पर घमासान बारिश हुई है, अफरा तफरी वाली जो कहते हैं ना, बिल्कुल तेज वाली बारिश वो हुई थी। और किसी की बहस ना बाहर में बोल रही है कि मुझे चारा खाना है, मुझे अंदर मान दो, तो वही इस तरह से रेंग रही है। तो चलिए बच्चों को स्कूल से ले आते हैं, उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। तो देखिए, अभी अभी ना एक को स्कूल से मैं लेकर आई हूँ, और काफी स्कूल से अभी अभी लेकर आई हूँ, और काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन जब गई तब बारिश रुक गई थी। और रास्ते में आते हुए मिले थे, तो वहीं से मैंने इन लोगों को ले लिया था। और ये पता क्या बोल रहा है कि मुझे स्कूल से नहीं लेकर आई है, ये इतना गंदा बच्चा है ना, ये बोलता है कि मुझे नहीं लेकर आई, मुंह देखो आई। छी छी छी, नमस्ते बोलो, हेलो बोलो, हेलो नमस्ते। हेलो, तो नमस्ते। अभी स्कूल तो अभी अभी स्कूल से आई है, तो पढ़ाई कर रही है। तो चलिए बताती हूँ आपको। तो उस वाले कमरे में ना बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो इसलिए मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ। और पता है क्या है, हस्बैंड मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को भी पता है, अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते तो मैं वीडियो कभी भी नहीं बना पाती। लेकिन क्या होता है, वो सुबह में जाते हैं और लेट से आते हैं, तो इसलिए वो वीडियो में नहीं आ पाते हैं, और फिर उनको काम वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो थकावट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और ऐसा नहीं है कि वो वीडियो में नहीं आती हैं, फर्स्ट में जब मैं वीडियो बनाई थी, एक दो वीडियो में वो आए थे, और सपोर्ट भी उनका पूरा पूरा रहता है मेरी वीडियो पर, तो इसलिए। और क्या होता है, ना जब हमारे सपोर्टर ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वीडियो पर व्यूज़ आने लगते हैं, तो भी रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिलने लग जाता है परिवार वालों से, फैमिली वालों से, बाकी सभी मेंबर से भी अच्छा ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जब तक हम लोग सक्सेस नहीं होते हैं, कम ही सपोर्ट सब लोग करते हैं, उनको लगता है कि बस क्या बताऊँ, सोचते हैं कि पागल है, यूट्यूब पर ऐसे ही लगी हुई है, यहाँ कुछ ये करने वाली तो है नहीं। लेकिन भगवान करे हम भी एक दिन सक्सेस हो और मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे, ये चाहती हूँ वैसे मैं। बस वैसे तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड का मुझे पूरा सपोर्ट है, पूरा वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और ज़्यादा सपोर्ट तो किसी को मिलने वाला है नहीं, और भगवान की दया से कोई करेगा भी नहीं, मुझे पता है। तो बस इन्हीं लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, ज़्यादा किसी का सपोर्ट मुझे चाहिए भी नहीं है। भगवान का सपोर्ट और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है। और कहते हैं ना, एक फैमिली उसके हस्बैंड और उसके बच्चों से ही बनती है, तो मेरा भी यही मानना है कि मेरी फैमिली जब मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मैं वीडियो अच्छे से बनाऊँ, अच्छे से काम करूँ। आप लोगों का साथ और सपोर्ट है मेरे साथ, वही काफ़ी है। और भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन सक्सेस भी जरूर हो ही जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और एक और कमेंट मेरे वीडियो पर आ रहा था, टेलीग्राम पे भी आ रहा था, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा था, कि आपके वीडियो पर स्ट्राइक जो है वो क्यों आई है। तो स्ट्राइक देखिए, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन जो हम चैलेंज वाली वीडियो बनाते हैं ना, जैसे बच्चों के साथ में हो गया उस तरह से,
उनको लगता है ना कि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसलिए भी स्ट्राइक दे दी जाती है। जैसे हम स्टोमा चैलेंज की वीडियो बनाते हैं, या फिर और गैंगस्टेक पता नहीं क्या है, इस तरह की वीडियो बनाते हैं, तो उन पर स्ट्राइक आना संभव है। लेकिन हाँ, जो और वीडियो हम बनाते हैं उन पर स्ट्राइक नहीं आती है, इतना तो मुझे पता है। और एक कमेंट और मेरे वीडियो पर आ रहा था कि अल्ट्रा लो वेस्ट डार्पिंग साड़ी की वीडियो आप बनाओ। तो भाई, हम गांव से हैं और गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ सभ्यताएं होती हैं जिनको वो ध्यान में रखकर हमें वीडियो बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैं वो वाली वीडियो, डार्पिंग की वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो चलिए, अगर आपका और कोई सवाल हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन कुछ बातें होती हैं ना जो सोशल मीडिया से हम लोगों को दूर रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अच्छे लोग हैं तो गलत कमेंट करने वाले भी इतने ही हैं, तो कुछ बातें ऐसी होती है जो सोशल मीडिया पर ना ही लाएं तो अच्छा है। बाकी मैं आप लोगों की वीडियो का, मतलब वीडियो पर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब जरूर से जरूर मैं दे सकूं। तो बारिश ना आफत बना हुआ है, जो कपास होती है ना उसमें भी ये हो चुका है एक और बाजरा था वो भी मतलब जा ही चुका है कुछ खास। अब की बार किसानों को प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमारी तरफ तो बिल्कुल सब फसल है जो खराब ही हो चुकी है। बस धान है, उनमें पानी हमेशा चाहिए होता है, तो धान है वो बचे हुए हैं बस। तो बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगे, और अगर कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है, फिर से बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके सपोर्ट के कारण ही आज मैं यूट्यूब पर टिकी हूँ, वरना तो मेरे लिए आफत बन चुका था यूट्यूब। तो थैंक यू सो मच मेरे हस्बैंड को, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, कि उनकी वजह से आज मैं यूट्यूब पर हूँ और एक ना एक दिन सक्सेस भी होकर ही दिखाऊंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज बारिश ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा घमासान बारिश हुई है ना कि सब कुछ है। अब 2 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज इतनी 2 दिन की जो कमी है ना वो आज निकाल दी, आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है, सभी जगह पानी भरा हुआ है। तो देखती हूँ, वो वीडियो भी लगा ही दूंगी इसमें। Okay.